गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू पीके सिंह रघुवंशी यूट्यूब चैनल। जैसे पहले आपको बताया था, ये सेवेंथ स्पैन तक हम लोग का डेक स्लैब का कंक्रीट हो चुका था। अभी आज हम लोग आठ नंबर स्पैन का डेक स्लैब का कंक्रीटिंग इन प्रोग्रेस में है। डेक स्लैब के बारे में कोई चीज़ आपको हम लोग शेयर करते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक है डेक स्लैब का विड्थ। डेक स्लैब का विड्थ है 5.2 मीटर है और इसका लंबाई है, मतलब लेंथ है 26.2 मीटर, जो एक पेयर टू पेयर कनेक्ट करता है। और इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M40, डिज़ाइन मिक्स है जिसमें सीमेंट क्वांटिटी 410 केजी पर M³ और वाटर सीमेंट रेशियो 0.39 एज पर IS 456/2000 एंड अप्रूव्ड मिक्स डिज़ाइन। ओके दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ बता दूं, ये कंक्रीट करने के लिए कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट और कुछ कुछ मशीनरी हम लोग को बहुत ज़रूरी पड़ता है। उसमें से एक है ATM है, इसको हम लोग TM बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है ट्रांजिट मिक्सर। और पीछे इसका आप देख सकते हैं, इसमें कंक्रीट पाम है जिसके साथ ये पाइपलाइन लगा रहता है, जिसके थ्रू इधर से कंक्रीट हम लोग स्लैब तक पहुंचा सके। उसके बाद जो मैन पावर लगता है, और एक चीज़ है जिसमें वाइब्रेटर लगता है जो कंक्रीट को बढ़िया से उसको कंपैक्शन कर सके, इसलिए हम लोग वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर में नीडल होता है, उसमें 40 का होता है, 60 का भी होता है। हम लोग मेनली अभी 60 का नीडल यूज़ कर रहे हूँ। ये हो गया मशीनरी पार्ट। आप आ जाते हैं मैन पावर में मेनली छः से सात आदमी लगता है एक डेक स्लैब को कंक्रीटिंग करने के लिए। उसमें हम लोग को नज़र लगना पड़ेगा, दो मैसन चाहिए जो इसको बराबर से फिनिशिंग करे एज़ पर रिक्वायर्ड लेवल, और हेल्पर चाहिए जो कंक्रीट को बिछाने में मदद करे। ठीक है दोस्तों, आप लोग अभी देख सकते हैं ये आठ नंबर स्पैन का ढलाई चल रहा है। ढलाई ऑलमोस्ट हो चुका है। एक स्लैब में आपका क्वांटिटी है 36 MQ और एक TM में 6 MQ करके आता है, जो हम लोग RMC प्लांट है अपना कैम्प के अंदर, GPT कैम्प के अंदर ही इसको प्लेस किया हुआ है। तो 6 TM जब कंक्रीट आ जाएगा तो ये स्लैब का पूरा हो जाएगा। अभी तक 3 TM पोरिंग हो चुका है, ये चौथा TM इसका पोरिंग चल रहा है। अब देख सकते 50% स्लैब का कंक्रीटिंग हो चुका है। अभी और 2 TM, इसके बाद और 2 TM का कंक्रीटिंग बचा हुआ है। उसके बाद ये 8 नंबर स्लैब का कंक्रीटिंग ख़त्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। जय हिंद, जय भारत।